नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 मैरी गोल्ड का यूनिट नंबर 3, जो कि एक पोयम है जिसका नाम है माई शेडो। अब शेडो से तो आप सब बचपन में खेले ही होंगे। इस बच्चे को देखिए, जैसे ये लाइट से अपने हाथ को, तो देखो इस हाथ की शेडो कितनी बड़ी बनी हुई है ना। तो ये जो पोयम है ये शेडो के बारे में ही है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। डू यू नो वेन एवर देर इज लाइट समवन फॉलोज यू, हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज। क्या आप जानते हैं कि जब कभी लाइट होती है तो आपको कोई फॉलो करता है, यानी कि आपका कोई पीछा करता है। क्या आपको पता है वो कौन है? हाँ, वो आपकी परछाई है, यानी कि शेडो। वो आपकी परछाई है। जब भी लाइट होती है तो हमारी शेडो बनती है और वो हमारे साथ साथ ही चलती है। तो आइए अब हम पोयम को पढ़ते हैं। I have a little shadow that goes in and out with me. And what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head. And I see him jump before me when I jump into my bed. तो ये बहुत ही प्यारी सी पोयम है। चलिए अब इसका हिंदी में भी मतलब समझ लेते हैं। तो फर्स्ट दो लाइन्स हैं, आई हैव अ लिटिल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। इसका मतलब है कि मेरी एक छोटी सी शेडो है जो मेरे साथ ही अंदर और बाहर जाती है। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। और उसका और कोई यूज़ नहीं है सिवाय इसके कि मैं उसको देख सकती हूँ। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। और वो बिल्कुल हील से लेकर हेड तक बिल्कुल मेरे जैसी ही दिखती है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड। और मैं उसको जंप करते हुए देख सकती हूँ कि वो मेरे से भी पहले मेरे बेड पर जंप कर जाती है। देखिए इस पिक्चर में, देखिए ये लड़की जब बेड पे जा रही है तो इससे पहले इसकी शेडो बेड पर पहुँच गई है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम अपनी पोयम को। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, Not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball. And he sometimes gets so little that there is none of him at all. अब इसका हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. तो ये पोयम में कहा जा रहा है कि जो नॉर्मल जो प्रॉपर बच्चे होते हैं वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन शेडो के बारे में फनीएस्ट थिंग ये है कि जिस तरह से वो ग्रो करना चाहती है। और वो कैसे ग्रो होना चाहती है, कैसे ग्रो होती है वो? फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। कैसे ग्रो करती है? इंडिया की जो रबर बॉल होती है, जो बिल्कुल एकदम से मारने पे बहुत ज़्यादा जंप करती है, वो वाली बॉल की तरह शेडो हमारी या तो एकदम से बहुत लंबी हो जाती है या बिल्कुल छोटी हो जाती है,
जितना कि हम में से कोई और नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप बट माई लिजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड। अब हिंदी में देखते हैं। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज यानी कि एक सुबह बहुत जल्दी जब सन भी नहीं उगा था उससे पहले मैं उठ गया था। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। बटर कप एक येलो कलर का फ्लावर होता है। तो वो उठा और उसने देखा कि हर बटर कप पे शाइनिंग ड्यू यानी कि ओस की बूंदे थी। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट स्लीप इन बेड। लेकिन जो मेरी लेजी शेडो है, छोटी सी शेडो है, वो अभी तक बहुत गहरी नींद में सो रही थी और घर पे पीछे ही रह गई बेड पर सोते हुए। तो ये जो पोयम थी ये लिखी थी रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन ने। तो कैसी लगी आप लोगों को ये पोयम? अच्छी ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो आज ये हमारी पोयम फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज वर्क करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।